नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश। मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1xBet में रजिस्टर कैसे करें, कैसे इसमें डिपॉजिट करें, कैसे विड्रॉल करें, कैसे डेली अर्निंग करें, कैसे बेट प्लेस करें, ये सब और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें और जानकारियाँ का फ़ायदा उठाइए। तो चलो चलते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, आपको ऐसी जानकारियां आगे मिलती रहेगी। तो चलो चलते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप सीधा यहां रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रेफरल के थ्रू करना चाहते हैं रेफरल के थ्रू, और डायरेक्ट लिंक के थ्रू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक के थ्रू कर सकते हैं। दोनों लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफरल के थ्रू करोगे तो आप मेरे एफिलिएट प्रोग्राम में आ जाओगे, जिससे आपको अगर कभी भी आपने डिपॉजिट या विड्रॉल किया और आया नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आगे कंपनी से बात करके। और आप रेफरल के थ्रू करोगे तो आपको 100% बोनस भी मिलेगा। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन आते हैं, वन क्लिक, बाय फ़ोन नंबर, बाय ईमेल, बाय सोशल नेटवर्किंग। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है बाय फ़ोन नंबर। बाय फ़ोन नंबर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना नंबर डालने को आएगा। आप नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे सेंड एसएमएस करना है। आप सेंड एसएमएस करेंगे तो आपको कंफर्मेशन कोड आएगा, आप कंफर्म करेंगे और यहाँ पे नीचे रजिस्टर कर देंगे। आप रजिस्टर करेंगे तो आपको रजिस्टर हो जाएगा और आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड। आप रजिस्टर करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये लोग बोलेंगे कि ऐप डाउनलोड करने के लिए, एंड्रॉयड और आईओएस जैसा आपका मोबाइल है, ठीक है। तो मेरा तो मोबाइल एंड्रॉयड है, तो मेरे पास एंड्रॉयड ऐप है तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी पहले से, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी जाके आपको लॉगिन करना है। आपको आईडी जो मिली रहेगी वो आईडी यहाँ डालना है और पासवर्ड यहाँ डालना है। और अगर आपके पास ऐप है डायरेक्ट, तो ऐप में भी रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे भी वही चार ऑप्शन मिल जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन रहता है बाय फ़ोन। यहाँ पे बाय फ़ोन, यहाँ पे नंबर डालेंगे, आपको कोड आएगा और यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे टिक में क्लिक करके कंफर्म कर रहे हो कि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे फिर ग्रीन पे टिक कर देंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की मेथड। अब मैं आपको मेरा अकाउंट लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने मेरा अकाउंट लॉगिन कर दिया है। और आपको फुल डिपॉजिट बोनस चाहिए तो आपको पहले उसके लिए अपने अकाउंट में जाना है पड़ेगा। और यहाँ पे जो पेंसिल की तरह आ रहा है, इसमें क्लिक करके रजिस्टर, आपकी प्रोफाइल पूरी फुल रजिस्टर करनी पड़ेगी। इधर आपको, मेरे को नहीं दिखा रहा, आपको इधर दिखाएगा एडिट प्रोफाइल। तो वो एडिट प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल एडिट करना और रजिस्ट्रेशन पूरी कर लेना, फिर आप जाके, तब जाके आप डिपॉजिट करना। और एक चीज़ और, अगर आपको बोनस मिलता है, बोनस दो टाइप के मिलते हैं यहाँ, बोनस फॉर एक कैसिनो और बोनस फॉर स्पोर्ट्स। और आपको बोनस नहीं चाहिए तो आप इधर रिजेक्ट बोनस में भी कर सकते हैं। ये दो टाइप के बोनस मिलते हैं, आपको कौन सा बोनस चाहिए आप उस पर क्लिक करके बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है।
बोनस के ऊपर, आपको बोनस कैसे खेलना है, कैसे कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट कर देना या मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके मेरे को मैसेज कर देना, वो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बोनस। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे डिपॉजिट करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ये प्लस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट के ऑप्शन हैं आ रहे हैं, स्क्रिल, बिटकॉइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो रहता है डिपॉजिट करने का वो ये रहता है, गूगल पे और फोन पे। मैं तो गूगल पे से करता हूँ, इसके लिए गूगल पे आपको बता रहा हूँ। गूगल पे में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आपको कितना डिपॉजिट करना है, यहाँ पे अपना गूगल पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे गूगल पे नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे गूगल पे ईमेल डालेंगे और लास्ट में डालेंगे ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ से मिलेगा, जब आप इस इनके जो नंबर है उधर आप अमाउंट सेंड कर दोगे, तो वहाँ सेंड करने के बाद वहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी आएगा, वो ट्रांजेक्शन आईडी आपको यहाँ फिल करनी है और बाद में कंफर्म कर देना है। आप कंफर्म करोगे तो रजिस्टर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के 3 घंटे 3 आवर्स के अंदर आपको आपका अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाएगा, मैक्सिमम 3 आवर्स। वैसे तो 2-5 मिनट में ही एक वॉलेट में आ जाता है। उसी तरह विड्रॉल के लिए, आप विड्रॉल में क्लिक करके यहाँ पे वही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, गूगल पे। तो यहाँ पे आप मिनिमम गूगल पे में 2000 विड्रॉल कर सकते हैं और फ़ोन पे में 1000 है मिनिमम। ये देखिए, ओ मिनिमम इसमें भी 2000, अभी 2000 हो गया है, पहले 1000 था। तो गूगल पे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आप विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा, अकाउंट नेम डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा और बैंक नेम। बाद में आप कंफर्म में क्लिक कर सकते हैं। बाद में आप कंफर्म करेंगे तो आपको अपने जो यहाँ फ़ोन नंबर डाला रहेगा उसमें एक कोड आएगा, वो कोड आपको डालना पड़ेगा और कंफर्म करेंगे तो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट हो जाएगा। बाद में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं विड्रॉल स्टेटस, विड्रॉल रिक्वेस्ट कि क्या हुआ स्टेटस, उसका अप्रूव्ड हुआ, नॉन अप्रूव्ड हुआ, कितना अमाउंट रहा, कब आपने रिक्वेस्ट डाली थी, कौन सी डेट में डाली थी, वो सब इधर चेक कर सकते हैं। तो ये थी विड्रॉल कैसे करें। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे बेट प्लेस करते हैं। तो यहाँ देखो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, स्पोर्ट्स, लाइव, ई स्पोर्ट, ई स्ट्रीम। तो हम लाइव में जाके आपको दिखाते हैं कैसे बेट प्लेस करें। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, आइस हॉकी, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे गेम हैं। आप किसी में भी बेट कर सकते हैं जिसका आपको नॉलेज है। जैसे मैं अभी टेनिस खोलता हूँ, टेनिस खोलता हूँ, यहाँ यूएस ओपन चल चल रहा है, तो ये मैच चल रहा है यूएस ओपन का, जिसमें W1 का 2.26 का ऑड आ रहा है और W2 का 1.71। तो ये ऑड क्या होता है, ऑड ये रहता है मतलब आप जो अमाउंट लगाओगे, जैसे आपने W1 पे 10 रुपये प्लेस, W1 पे आपको लगता है W1 जीतेगा, W1 पे आपने प्लेस बेट किया, ने W1 पे 10 रुपये लगाया, तो मतलब 10 × ये ऑड जो होता है उससे इंटू हो जाता है, तो 10 × 10
इंटू 2.26, तो आपको आपका विनिंग अमाउंट मिलेगा कितना, 22.06 रुपये। मतलब आप 22 रुपये जीत जाएंगे अगर W1 ये अलेक्जेंडर ज़ारीफ जीतता है तो। वैसे ही आप W2 पे बेट करेंगे तो W2 10 अगर 10 रुपये लगाते हैं W2 पे तो 10 × 1.71, मतलब 10 रुपये में आपको 17 रुपये 1 पैसा मिलेगा अगर W2 जीतता है तो। इसका मतलब ये जो ऑड रहते हैं उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता है आपके अमाउंट कितना आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऑड लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा ऑड वाले मैच मतलब आप ज़्यादा ऑड लगा रहे हैं मतलब वो टीम हारने वाली है या वो बंदा हारने वाला है इसके लिए उस पर ज़्यादा ऑड आ रहा है, और कम ऑड वाला मतलब वो उसकी विनिंग चांस ज़्यादा है इसके लिए उसके ऑड कम है। ऐसा हर बार नहीं होता है, ज़्यादा ऑड वाला भी गेम वन कर जाता है और कम ऑड वाला हार जाता है, तो वो तो मैच के ऊपर है। तो ये था आप बेट कैसे प्लेस करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेट स्लिप कैसे बनाएं। ये देखिए आपने यहाँ W2 पे आपको लगता है W2 जीतेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर ऑप्शन आते हैं बहुत सारे जिस पे लास्ट ऑप्शन रहता है ऐड टू बेट स्लिप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेट स्लिप में चले गया। वैसे एक मैच और ले लेते हैं डेली एक्वा टूर मिक्स का है, इसमें आपको लग रहा है W1 जीतेगा तो इसको आप ऐड टू बेट स्लिप में जाके बेट स्लिप में डाल लेंगे। अब बेट स्लिप कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 3 डॉट में जाके, ये देखो यहाँ पे लिखा है बेट स्लिप, इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपकी बेट स्लिप खुल गई। बेट स्लिप मतलब आप कितने भी मैच लगा सकते हो, वो सब एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाते हैं। एक्यूमुलेटर मतलब एक से ज़्यादा मैच सब एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपने 2 मैच लगा दिए यहाँ, तो आप इस पर डायरेक्ट बेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 10 रुपये लगाए तो अगर दोनों जीत गए तो आपको 17 रुपये 58 पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे बहुत सारे मैच जो आपको लगते हैं ये विन हो जाएंगे उन सबको एक साथ रख के भी बेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक में भी लॉस हुआ तो पूरा बेट लॉस माना जाएगा। तो ये होता है एक्यूमुलेटर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्पोर्ट्स, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे गेम हैं जो आने वाले हैं, जैसे क्रिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ। T20 ब्लास्ट चल रहा है आजकल, ये देखो T20 ब्लास्ट के इतने सारे मैच जो आने वाले हैं, आप किसी भी मैच को ओपन करके वहाँ बेट कर सकते हैं। ये देखिए टोटल रन टीम वन कित पहले ओवर में कितना बनाएगी, दूसरे ओवर में कितना बनाएगी, तो ये सब ओवर बनाएगी अंडर बनाएगी ये सब आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो सब जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कैसे बेट प्लेस करें, क्या होता है ये ओवर अंडर सेशन के ऊपर बेट चाहिए आपको, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप
आपका सजेशन देख के उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बेड दिया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने बेड दिया था कल। ये देखो, कल मैंने इतने सारे बेड दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। ये मैंने मॉर्निंग में दिया था 8:39 में एक्यूमुलेटर बना के, जो 1 हो गया था। उसके बाद जो बेड देता हूँ वो बेड मैं खुद भी प्लेस करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा है स्क्रीनशॉट है जो मैंने यहाँ डाला हुआ है। उसके बाद एक मैच मैंने ये दिया था जहाँ पे मैंने लिखा था W1 जीतेगा, तो ये बेट भी विन हो गया था। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए माय इन्वेस्टमेंट, ये मेरा बेट है, एक बंदे ने लगाया था, उसने मेरे को भेजा, उसकी भी मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दिए। और फिर उसके बाद मैंने एक गेम और दिया था, ये इस पे मैंने दो दो चीज बेट लगाने को बोला था, दो जगह, यहाँ पे W1 पे बेट लगाने को बोला था और यहाँ पे Under 24.5 पे बेट लगाने के लिए बोला था। तो ये दोनों भी बाद में 1 हो गया था। ये देखिए, ये दोनों भी विन हो गया था। उसके बाद मैंने शाम को एक मैच और डाला था, अपकमिंग मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला था, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके गेम इसके बेट्स आएंगे ग्रुप में। तो यहाँ मैंने लिखा था W1 जीतेगा, मतलब इंग्लैंड जीतेगा, और यहाँ नीचे लिखा था Total 1 over 231.5। मैंने जब दे रहा था तो ये तब तक 228.5 में आ गया था, तो मैंने लिखा इधर नीचे नाउ इट इज़ ओवर 228.5 और नीचे लिखा इक्वल इन्वेस्टमेंट इन बोथ। तो इंग्लैंड ने 231 बनाया, तो ये तो हम जीत गए। एक और दूसरा बाद में रात को इंग्लैंड भी जीत गई और हम दोनों बेट विन कर गए। ये देखिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे ऐड हो सकते हैं मेरे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए, मैं आपको मेरा बेड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेम जो बेड वहाँ देता हूँ वही बेड यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है W Team 1 Wins, Team 1 Wins मतलब इंग्लैंड विन जीतेगा, उस पे मैंने बेट किया था। वैसे ये टेनिस के मैच हैं, डेली मैं बेट देता हूँ मैक्सिमम जीतता हूँ, हर मैच जीतना पॉसिबल नहीं रहता, मैच है कुछ भी हो सकता है, कोई श्योर शॉट मैच नहीं रहता है। लोग बोलते हैं श्योर शॉट मैच है, कुछ श्योर शॉट नहीं रहता, मैच कब कहाँ चले जाए किसी को नहीं पता। तो बस इतना ही इस वीडियो में, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए अगला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।